नमस्कार, सैटेलाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आज की खास खबर, जालौन में देर शाम को आई भीषण आंधी लोगों के लिए तबाही बन कर आई। जहां ग्राम गिदोशा में आंधी के कारण कूड़े करकट से निकली आग की चिंगारी ने दर्जनों कच्चे मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग को देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, जिसको ग्रामीणों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वही आग की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिस सूचना मिलने के बाद उरैया कोच और जालौन से दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें कि शाम को अचानक धूल भरी आंधी आ गई थी। इस आंधी के कारण ग्राम निर्दोषा के बाद पड़े कूड़े करकट से चिंगारी निकली, जो गांव के कच्चे मकान में छू गई, जिससे वह मकान जलने लगा। आग देख घर के मालिक ने पड़ोसियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण यह आग बढ़ गई और धीरे धीरे के बाद एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया। कच्चे मकान होने के कारण आग का विकराल रूप देखने को मिला, जिसे देख गांव में हाहाकार मच गई। गांव के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग को बढ़ता देख तत्काल सूचना दमकल विभाग को दी, जहां कोच उरी और जालौन से दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया, लेकिन अभी तक आग को काबू में नहीं पाया गया। धन्यवाद।